हाँ तो दोस्तों, अब यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के भी Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूँ तो देखिए, पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे हमको 74.9% का ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो देखिए, इससे ज़्यादा आपको शॉक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अक्टूबर से दिसंबर में लगातार जो कैसीनो पूरी तरीके से खुले भी नहीं थे, तो उस क्वार्टर से मेरे ख्याल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 211.34 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा है। और अगर प्रॉफिट की यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो यहाँ पे 7x मतलब 7 गुना यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। लेकिन देखिए, उस पर कंपनी का रेवेन्यू नहीं के बराबर था, तो कंपनी के एक्सपेंडिचर जितने ज्यादा थे, सिर्फ 1-2 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट था। जबकि अब आप अगर देखोगे तो 57.77 करोड़ का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर इनका निकल कर आया है। अब इसके बाद अगर मैं पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो वहाँ पे हमको 16% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। क्योंकि देखा जाए, जो ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें, तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है। और अगर पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है। 98% का ग्रोथ हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। मतलब पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट डबल हो गया है, अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। तो देखिए, ऑल ओवर देखा जाए तो पहले शुरुआत के अप्रैल से लेकर सितंबर तक कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई थी, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर में कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 57.77 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है। तो देखा जाए, इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है। लेकिन देखिए, हमको पता है कि अभी कोविड फिर से चालू हो गया, फिर से कैसीनोज बंद कर दिए हैं, तो आने वाले जो ये क्वार्टर है अप्रैल से लेकर जून तक, उसमें फिर से कंपनी के लिए दिक्कतें बन सकती हैं। लेकिन देखिए, ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएंगी। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पर अगर देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4149 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड लगभग 0.96% का है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले ऑलमोस्ट हाईली ओवर वैल्यूड ये शेयर है। लेकिन देखिए, अगर प्राइस टू बुक देखा जाए तो वो एक अच्छे वैल्यूएशन पर नजर आता है। और देखिए, मार्केट को पता है, वो भी कोविड की वजह से थोड़े से इश्यूज बने हुए हैं, इसलिए जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो इतना महंगा है। क्योंकि देखिए, जो मार्केट है वो फ्यूचर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चलता है, वो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड नहीं होता है। वो एस्टिमेशन लगाता है कि आने वाले समय में इसमें कितनी ग्रोथ हमको नजर आ सकती है। अब अगर डेल्टा कॉर्प की अगर मैं बात करूं, तो देखिए 2020 में एकदम फ्लैट, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 26 करोड़ का रेवेन्यू गिर गया है। देखिए, ऐसा नहीं है, 26 करोड़ का रेवेन्यू नहीं गिरा है, क्योंकि देखिए पिछले साल मार्च में ही कोविड आ गया था, तो जो मार्च के जो ऑपरेशन थे कंपनी के पूरे बंद हो गए थे, तो उसकी वजह से ये पिछले साल का जो परफॉर्मेंस है वो आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर आप देखोगे, 3 साल से लगातार कॉन्स्टेंट ग्रोथ इसके अंदर हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर मैं डेल्टा कॉर्प की अगर बात करूँ, देखिए आज ही शेयर में 4% अपसाइड देखने को मिला था, और अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो अराउंड 75% के रिटर्न इसने पहले से दे दिए हैं। तो देखिए, अगर आप देखा जाए तो इसमें जितना करेक्शन होना चाहिए था मेरे ख्याल से हो गया है। अगर आप देखोगे 401 का इसका हाई है, मतलब अपने हाई से आपको 50% डिस्काउंट से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि इसका 50% निकल कर आता है 200। और देखिए, अभी कोविड की वजह से अगर आने वाले 1-2 महीने और इसके कैसीनोज अगर बंद रहते हैं, तो अगर ये शेयर अगर वापस से 100 के लेवल पे आता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होगी, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर लॉस में हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर ये धीरे जितना नीचे गिरता रहता है, मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक को खरीदते रहना चाहिए। और जो यहाँ पे अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए मेरे ख्याल से जितना करेक्शन इस स्टॉक में आना चाहिए था उतना आ चुका है, और उसके बाद भी अगर मार्केट थोड़ा स्टॉक को 130 या 120 के लेवल तक ले जाता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उनको जरूर इस स्टॉक को उस वक्त बाय करना चाहिए।
अब उसके बाद अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से मार्केट में मुझे ज़्यादा बुलिशनेस इस स्टॉक पे नज़र नहीं आती है। अब देखिए सीधी सी बात है कि एक तरीके से देखा जाए तो भी अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर है कंपनी के लिए बहुत ही इश्यूज बने रह सकते हैं, वो इश्यूज ये क्वार्टर इतना बढ़िया नहीं जा सकता है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा बुलिशनेस शॉर्ट टर्म के लिए नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि डेल्टा कॉर्प के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।